गाजीपुर से किरण नाई, वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। ग्राम प्रधान और सचिव ने मिलकर लूटा पूरा गांव। प्रधानमंत्री आवास योजना में सभी लाभार्थियों से 10 से 15 हजार रुपए की हुई वसूली। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर के कासिमाबाद ब्लॉक के ग्राम सभा कवरपटी में ग्राम प्रधान और सचिव ने मिलकर प्रधानमंत्री आवास योजना में सभी लाभार्थियों से 10 से 15 हजार रुपए की वसूली कर ली। जब इस मामले में ग्राम प्रधान से बातचीत गई तो प्रधान ने बताया कि जो आरोप लाभार्थी लगा रहे हैं वो गलत है। हालांकि लाभार्थियों ने वसूली के संबंध में ग्राम प्रधान को बताया। इस संबंध खंड विकास अधिकारी भीम प्रसाद ने बताया कि वसूली का मामला प्रकाश में आया है, शीघ्र ही जांच करके आगे कार्यवाही की जाए। खंड विकास अधिकारी भीम प्रसाद, आपके क्षेत्र में कवरपट्टी ग्राम सभा है जो आप ही की देख रेख में ग्राम सभा, वहाँ आवासों में काफी धन वसूला गया है, उसको लेके क्या तैयारी करें, क्या कार्रवाई करें? जांच कराऊंगा। आपके यहाँ वो एक इंटरला सीसी रोड बनवा रहा है करीबन 200 मीटर का, क्या मानक सीसी रोड का होता है, कितना भुगतान होना है उसका? प्रधान ने एक आपके ऊपर आरोप लगाया कि 7% का 7% कमीशन हर कामों में वीडियो से आपको देना होता है, मतलब जो आपके ऊपर आरोप लगा रहा है प्रधान वो गलत, उसको लेके क्या कार्रवाई करेंगे? अगर ऐसा पाया जाता है भाई कमीशन सिद्ध होता है तो विभागी कोई कार्रवाई आप लोगों के ऊपर होती है? आपका कीर्ति, आपके नाम से आवास आई लाल है प्रधानमंत्री। हाँ। आवास बन गल पूरा? हाँ बन गल है, कंप्लीट हो गल है। हाँ। मजदूरी आपके मिलल दादी? मजदूरी 10,000 मिलल बा, 5,000 ना मिलल बा। ना मिलल? ना। मजदूरी खातिर आप कहली प्रधान से? अच्छा, तो मजदूरी खातिर के हम प्रधान से तो ना कहनी है, नहीं से कहनी मुंशी जी से, ये कुल खबर पहुंचावे ना। आ पैसा मुंशी जी के दिया 10,000 पहली बार, तो ये अपन दे ना, ये नहीं की दुआरे आके प्रधान ले ना। अच्छा, एक कमीशन दे ले रहे प्रधान के इनमें का? हाँ। 10,000 दोनों में का? हाँ, कितना दे रहे हो कमीशन? अरे की 10,000 और 5,000, 15,000। के के दे रहे हो प्रधान का नाम? अब प्रधान का नाम तो ये समय के प्रधान है का नाम राजेश, राजेश नाम है, उन्हें के दे रहे हो कमीशन? हाँ। सुमन के करे नाम से आवास बनल है? सुमन के नाम से ही आवास। अच्छा, ये बता आपके यहाँ क किस्त में पैसा उतरल? तीन में। अच्छा, ये बताएं कि कब मजदूरी मिल गया आपको? जब तो समझ में ना आ रहा मजदूरी मिल रहा कि तो मिल रहा पता नहीं, एक बार 40,000 एक बार 70,000 को 10,000 आ रहा। अच्छा, कुछ कमीशन भी ले रहे हो यहाँ विभाग के नाम पर कि सीडीओ के दो के या बीडीओ के दो के? हाँ, 10,000 रुपये दे ले। ये नए प्रधान ना, तो वो पैसा मिल रहा आपके? बस 1,00,000 आ रहे हैं, एक बार 70,000, एक बार 40,000, एक बार 10,000 आ रहे हैं, बस इतने। 10,000 कमीशन ले लेना ना। हाँ, 10,000 कमीशन। आपका का नाम है? ये तो आवासवा मंगरी की नाम से। अच्छा, आपका वाइफ है ना, पत्नी है ना? अच्छा, ये आवासवा को किस्त में पैसा उतरल? तीन। तो आवासवा बनल ना पूरा? हाँ? बनल ना का है? अब 20,000 वो के कॉलम की दे दिया जाओ, वो लड़का है ना, तो तुम्हारा भी ये हिस्सा चाहिए। प्रधान जी के देला पैसा? हाँ, 14,000 दे देला प्रधान जी के। काय खातिर प्रधान जी के देला? प्रधान जी मांगे, रोज मांगे। हाँ, वही में क्यों दे हल के ना दे आला हमान से, तो भाई ले ले सबसे ले आला है दे रहा तो दे ले सबसे ले लो पैसा सब। हम द्वार कौन ग्राम सभा में द्वार घर कौन है गांव में? अच्छा, तोरे नाम से आवास आई लल, तोरे सास की अम्मा के भी नाम से आवास आई लल, तो ई बताओ कि मजदूरी मिल गई? मजदूरी 10,000 हमार 10,000 बोली मिल गई, फिर के बाद मजदूरी ना मिलल आपको? कुछ कमीशन भी दिल नहीं प्रधान के? कितना? 15,000 दोनों जानी दिल लो, तो का कहोगे कमीशन ले लेना प्रधान जी? प्रधान ही कहना कि नहीं हमन तो लोन के आवास दिलावत है हमन के पैसा,
15,000 रुपया तो तुम लोग दे दलू जैसे मांगना उसे दिया अभी पूरा मजदूरी भी ना मिलल मजदूरी मन का ना